हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने दो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसमें तीसरा नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है आरटीई अधिनियम 2009। ये अपना तीसरा चैप्टर है और तीसरी ही क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली अगर दो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आपके पास में कुछ सेकंड है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से इसका आंसर सोच लो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोपाल कृष्ण गोखले, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में की थी। कब की थी? 1910 में की थी, ठीक है। और देखो, इसके बाद 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा योजना में और जाकिर हुसैन ने इसके महत्व और आवश्यकता को रेखांकित किया था। यानी कि सबसे पहले किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसके बाद में 1937 में महात्मा गांधी ने और फिर जाकिर हुसैन ने यह किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार चार्टर अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? तो दोस्तों, वो एज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, 18 वर्ष, ठीक है। कितनी है? 18 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार चार्टर अधिनियम की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, उसमें 18 वर्ष है, याद रखना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, तीन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता है वो भारत में क्यों पड़ी, ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 21 के को लागू करने के लिए। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 के जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान या उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपबंध का लोप कर यह प्रावधान किया गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यह है अनुच्छेद 45 के अंदर। अब देखो, 51 के अंदर क्या है? तो 51 के अंदर देखो, 11वां मूल कर्तव्य कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएंगे। यह है दोस्तों 51 के अंदर, ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में आरटीई एक्ट 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया। इस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी, ये बताना है अपने को। दोबारा देखो इस प्रश्न को, भारत में आरटीई एक्ट 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया, इस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी? तो दोस्तों, अपने को वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच लो। तो दोस्तों, इसकी अधिनियम संख्या थी वो थी 35वां, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने संबंधी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित कर दिया था, ठीक है। और दोस्तों, भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में
35वां अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वां अधिनियम, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। आगे चलते हैं पांच नंबर प्रश्न में, इसमें देखो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत है, तो क्या गलत है ये अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बालक 5 से 14 वर्ष, ठीक है। ये दोस्तों इसके अंदर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। इसमें देखो समुचित सरकार केंद्र राज्य तथा संघ सरकार है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा है वो 1 से 8 तक है, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यालय सरकारी निजी अनुदानित तथा विशेष विद्यालय, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें बालक है वो 5 से 14, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 6 से 14 है इसके अंदर आएगा, लेकिन इसमें 5 से 14 दिए गए हैं तो इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है, तो कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है ये अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है मॉडल स्कूल, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मदरसों वैदिक पाठशालाओं व धार्मिक शिक्षण देने वाले विद्यालयों व संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, ठीक है, तथा खास श्रेणी के विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल पर भी ये लागू नहीं होगा। कौन सा अधिनियम, आरटीई अधिनियम 2009, ठीक है, यह आपको याद रखना है। बी नंबर का ऑप्शन इसमें मॉडल स्कूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में, 7 नंबर प्रश्न के अंदर देखो आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होगी, निःशुल्क शिक्षा होगी, ठीक है। आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा होगी, ये अपने को इसमें बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपके पास में 4 धाराएं दी हुई है, 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 3, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में, 8 नंबर प्रश्न में देखो आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पर रोकने एवं निष्कासन प्रतिशत किया गया है, तो दोस्तों कौन सी धारा के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 16, धारा 16, धारा 17, धारा 18 और धारा 19, ठीक है, ये 4 धाराएं हैं आपके पास में, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 16, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर बता दो। तो दोस्तों सोच लिया होगा इसका उत्तर क्या होगा, तो इसमें देखो बालक में ज्ञान का अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण हो, पाठ्यक्रम संविधान में दिए गए मूल मूल्यों के अनुरूप हो, ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करे, ये दोस्तों पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए, तो देखो सही समूह को बताना है, तो आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, फिर बताना है कूट के अंदर कि इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से इनको पढ़ लो और फिर देखना ABCD के अंदर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन से इसके सही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। कक्षा 6 से 8 तक 200 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घंटे,
45 शिक्षण घंटे प्रति सप्ताह है तथा इसमें तैयारी की घंटे शामिल हैं, तैयारी के घंटे इसके अंदर शामिल हैं। छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 छः माह में पूर्ण किया जाए। तो दोस्तों ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही सही है दोस्तों इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो यदि आप किसी संस्था के संस्था प्रधान हैं तो बताइए उसमें कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए कितने शिक्षक होंगे यदि यदि छात्र संख्या 255 है। यानी कि अगर क्लास में 255 स्टूडेंट हैं तो दोस्तों उसमें उस कक्षा में दोस्तों कितने शिक्षक होंगे ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, 255 स्टूडेंट हैं उनके लिए बताना है कितने शिक्षक अनिवार्य है। ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लो, आपके पास में 4 ऑप्शन है, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 शिक्षक अनिवार्य है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न में देखो गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा 1937 का भाग है। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा 1937 का भाग है, तो वो भाग कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, ये चारों के चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हस्तशिल्प, मातृभाषा, 7 वर्ष की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो RTE बिल 2009 सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया गया। RTE बिल 2009 सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया गया, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया गया था, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो RTE है दोस्तों ये, ठीक है सी नहीं है, RTE एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई। तो कब जारी की गई थी ये अधिसूचना, देखो चारों ऑप्शन आपके पास में, 26 अगस्त 2009, 27 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 जुलाई 2009। तो दोस्तों ये अधिसूचना है ये कब जारी की गई थी, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 27 अगस्त 2009। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में RTE एक्ट 2009 लागू किया गया, किस राज्य को छोड़कर। तो कौन से राज्य को छोड़कर, दोस्तों ये तो सबको पता होना चाहिए कौन से राज्य को छोड़कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आराध्या आर एस अकेडमी के साथ में जुड़े रहें। 16 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो RTE एक्ट 2009 का परिणाम है, तो परिणाम क्या है, RTE 2009 का परिणाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो चार ऑप्शन है, 86वां संविधान, देखो संविधान संशोधन 86वीं का, ठीक है अनुच्छेद 21 के को लागू करने का, शिक्षा सबके लिए और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न, इसमें देखो RTE एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है RTE एक्ट 2009 से संबंधित। चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 2011 को लागू, ये दोस्तों इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। बाकी के 3 है वो देखो RTE एक्ट 2009 से संबंधित है, इसमें अध्याय 7 तथा धारा 38 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू, कक्षा 1 से 8 तक लागू, ये भी दोस्तों सही है, इसमें 3 सही है लेकिन बी नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों? इसके अंदर चार ऑप्शन आपके पास में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक विद्यालय। ये दोस्तों डी नंबर का है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पब्लिक विद्यालयों के प्रकार नहीं है, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार पब्लिक विद्यालयों के प्रकार नहीं है, ये सरकारी, निजी और खास श्रेणी के लिए है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें 2005 में बना, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो आरटीई एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो कौन से अध्याय में दिया गया है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार? अध्याय एक, अध्याय दो, अध्याय तीन, अध्याय चार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंदर अध्याय दो, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न, इसमें देखो शिक्षा अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? दोस्तों आपको धारा याद रखनी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए इसका उल्लेख है वो कौन सी धारा के अंदर है? धारा दो, धारा तीन, धारा चार, धारा पाँच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंदर धारा चार के अंदर, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न के अंदर, इसमें देखो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं, यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाए? यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाए ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास में है, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 1, या प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेख है, ठीक है, आरटीई 2009 में उल्लेख है। तो दोस्तों कौन सी धारा के अंदर है इसका उल्लेख? धारा 4, धारा 7, धारा 11, धारा 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 11 के अंदर, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, इसमें देखो किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर कौन सी कार्रवाई होगी? तो कौन सी कार्रवाई होगी शिक्षक पर यह अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, आचरण के विरुद्ध, अनुशासनात्मक, वित्तीय कार्रवाई या RSR के अनुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसका अनुशासनात्मक, ठीक है, अनुशासनात्मक, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न, इसमें देखो विद्यालय विकास योजना SMC द्वारा तैयार की जाएगी इसका उल्लेख है? विद्यालय विकास योजना SMC द्वारा तैयार की जाएगी इसका उल्लेख है, तो कौन सी धारा में इसका उल्लेख है ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो धारा 22 1, धारा 22 2, धारा 21 1, धारा 21 2, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 22 1 में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख आरटीई एक्ट 2009 कौन सी धारा में है? शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता है
योग्यता का जो उल्लेख है ये दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में है, धारा 25, धारा 24, धारा 28, धारा 26, तो कौन सी धारा के अंदर है, तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 24 में, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रखे जा सकते हैं, तो कितने प्रतिशत से अधिक पद हैं वो खाली नहीं रखे जा सकते हैं धारा 26 के अनुसार, ठीक है, स्कूलों में। तो चार ऑप्शन आपके पास में, 5%, 10%, 12% और 30% है, ये चार ऑप्शन आपके पास में, 5, 10, 12, 30। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से मन में सोच लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10%, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन से अध्याय में उल्लेखित है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन से अध्याय में उल्लेखित है, तो देखो अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 4, ठीक है, तो कौन से अध्याय में उल्लेखित है ये अपने को बताना है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अध्याय 6, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 6। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो आरटीई 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा, ये दोस्तों कौन से या कौन सी धारा के अंदर है ये अपने को इसमें बताना है, धारा 38, धारा 37, धारा 36, धारा 35, चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है धारा 38, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर प्रश्न, इसमें देखो राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई, आरटीई नियमावली 2011 की अधिसूचना है वो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कब जारी की गई, देखो चार ऑप्शन है आपके पास में, 29 अप्रैल 2011, 29 अप्रैल 2010, 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2010, तो दोस्तों इसकी अधिसूचना है ये कब जारी की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 29 मार्च 2011, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 2011। तो दोस्तों ये हो गए आज का अपना जो आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित क्वेश्चन, दोस्तों इसमें से एक या दो प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से। कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये टॉपिक रहेगा दोस्तों चौथा नंबर का टॉपिक। तो दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह दोस्तों इसको शेयर करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप भी मेरे लिए थोड़ा सा ये शेयर वगैरह ये कर दिया करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।